पीने की प्रतीक्षा, उस बजट की होगी सटीक समीक्षा, जिनको है रेल बजट का इंतजार, उनके लिए क्या करेगी सरकार, कम हो या ज्यादा आए सब पर विशेषज्ञों की राय, क्या होगा इस बार चुनावी बजट, बजट का पूरा ब्यौरा 1 फरवरी को दिन भर amarujala.com पर। तो निश्चित तौर पर 1 फरवरी को तो हम आपसे मुलाकात करेंगे ही, लेकिन फिलहाल एक बार फिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुमित अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और सुमित जी से हम इस पर बातचीत करेंगे कि आज जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें जो भी बातें आई हैं उससे कितना इशारा मिलता है बजट का। दूसरा, सबसे देखिए, बजट जब भी आता है तो एक बड़ी अहम बात ये रहती है कि अपेक्षाएँ तो बहुत रहती हैं बजट को लेकर, हर एक की उम्मीद रहती है। अब ये इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरने वाला है बजट, और चुनावी बजट जैसा हमने आपको बताया, वो चुनावी बजट जो है वो जो भी रहेगा उस बजट के लिहाज से क्या आर्थिक सर्वेक्षण को इशारा करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडियो में। सुमित जी, जैसा मैंने बताया, आपको मेरे साथ हैं, लेकिन आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ कि लगातार जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है तब से उन्होंने आत्मनिर्भरता, MSME को बढ़ावा देना, या छोटे उद्योग जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत को बताया है। उद्योगों का सृजन होगा तो रोज़गार का सृजन होगा, इसीलिए छोटे उद्योगों को लेकर बड़ी बहस भी होती रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें अभी मोटे मोटे तौर पर और स्पष्टता, अभी कई प्रतिक्रियाएँ आएंगी आपको बजट के बाद भी, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण पर जो प्रतिक्रिया है उसके मुताबिक जो बात वो अभी तक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहते रहे वही मूल मुद्दा उनका दिखाई पड़ रहा है कि 2-4 लोगों तक सरकार का पैसा बटा हुआ है, जनता का पैसा बटा हुआ है, उन्हीं का उद्धार हो रहा है, उन्हीं का उत्थान हो रहा है और आम जनता तक कुछ नहीं पहुंच, ये विपक्ष के आरोप हैं या विपक्ष ने इस तरीके से इसको लिया है। बहरहाल, अब क्या उम्मीदें हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो थोड़ा सुमित जी से भी समझते हैं। तो सुमित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अब मैं चाहूंगा कि आप बताएं आर्थिक सर्वेक्षण में कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगता है कि ये बजट का इशारा करते हैं, और वो इशारा क्या हो सकता है। देखिए, अपनी बात को समझाने के पहले, जो आपका सवाल है उसका जवाब देने के पहले, 2 चीज़ें मैं याद दिलाना चाहूँगा। एक तो आपने इशारा कर दिया कि ये चुनावों के पहले का, 24 के चुनावों के पहले का आखिरी संपूर्ण बजट है, तो जाहिर तौर पर पब्लिक की उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स होंगे जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी, कम से कम महंगाई के मामले पर, क्योंकि पेट्रोल डीजल का 100 रुपये लीटर हो जाना, 100 से ऊपर चले जाना, ये वाकई में आम व्यक्ति को परेशान करता है। दूसरी बात जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो रियायत मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो निर्मला सीतारमण जाने, लेकिन एक जो अच्छी चीज़ मुझे दिखाई देती है इस बजट में, या हो सकती है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने इशारा किया है, हम लोग दुनिया में 2023-24 में तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज ने मंदी की ओर इशारा किया है। उस मंदी में अगर कोई देश उभर रहा है, कोई तेज़ी से विकास कर सकता है, तो वो हिंदुस्तान है। वो अमेरिका नहीं है, वो चीन नहीं है, वो इंग्लैंड नहीं है, वो रूस नहीं है, वो कोई नहीं है। सबसे अधिक ग्रोथ अगर कहीं अनुमानित है 2023-24 में और 24-25 में, तो वो हिंदुस्तान के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के आज ही आंकड़े आए हैं, जिसमें उन्होंने इस साल में 6.1 और अगले साल में 6.8% की दर से विकास की बात की है। इस दर से ना चीन बढ़ रहा है, चीन तो नेगेटिव में जा रहा है, अमेरिका की ग्रोथ 1 से 1.5% की है, 2% की है, ऐसे में भारत का 6% का जो ग्रोथ है, यही इशारा आज के इकोनॉमिक सर्वे में भी प्रवीण हमको मिला है, जब वित्त मंत्री ने कहा कि अगले साल में जो विकास दर है वो 6.8% तक जा सकती है। हालांकि पिछली बार जो अनुमानित किया गया था उससे ये आंकड़ा कम किया है, इसको करेक्ट किया है सरकार ने, पर अभी भी ये जो आंकड़ा है 6.8 का, ये वाकई में इशारा करता है कि इकोनॉमिक, देश की जो आर्थिक स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, वो दिन पर दिन इम्प्रूव कर रही है, और उसको साबित करने के लिए कुछ चीज़ें हमको समझनी होंगी। पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पिछले 1.5 साल से जब से कोविड का असर ख़त्म हुआ, ये क्रेडिट सरकार को देना चाहिए हमको कि दुनिया में जब कोविड का खतरा बढ़ा दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, जनवरी की शुरुआत में, कि थर्ड वेव आ सकती है, फोर्थ वेव आ सकती है, हिंदुस्तान में मुश्किल से 1 हफ्ते की चिंता रही होगी, लेकिन आज हम जनवरी के आखिरी दिन पर बैठे हुए हैं और कोई कोविड का खतरा नहीं है, हम और आप बगैर मास्क लगाए बैठे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ बूस्टर डोज जो दी गई, जो थर्ड डोज और फोर्थ डोज दी गई, उसका असर दिखाई दे रहा है। कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो कह सकते हैं कि उस बूस्टर डोज की वजह से लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन कुल मिलाकर देश में कॉन्फिडेंस का माहौल है, और इकोनॉमी जो चलती है वो सेंटिमेंट से चलती है। सेंटिमेंट पॉजिटिव दिशा में इशारा कर रहे हैं कि हम कोविड से निकल आए हैं,
चीन कोविड से जूझ रहा है, चीन का कोविड से सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से निकलकर दुनिया के दूसरे मुल्कों में जा रही है, बांग्लादेश में, वियतनाम में, हिंदुस्तान में एप्पल जैसी बड़ी कंपनी आ गई चीन की वजह से, ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू होने वाली है। ये इशारा करता है कि दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर, हिंदुस्तान की जो ठोस सॉलिड सरकार है उसकी नीतियों पर विश्वास करते हैं। सुमित जी, अब मैं चाहूंगा कि एक एक करके जरा हम कुछ बिंदुओं पर विचार करें, एक एक करके। जैसे कि आपने पहले तो 6 से 6.8% जो हमारी ग्रोथ की बात कही गई, विकास दर का अनुमान लगाया गया है। ये विकास दर जो है ये जनता को बहुत ज्यादा, हम हमेशा से इन आंकड़ों पे बात करते रहे कि इतनी हो जाएगी उतनी हो जाएगी, लेकिन देश चलता रहता है, आम आदमी को समझ में नहीं आता है। अभी चुनौती क्या है? आंकड़ों के जरिए सरकार जो है वो ये दिखाएगी कि पूरे देश में मंदी चल रही है, लेकिन हम देखिए विकास की इस ग्रोथ पर जा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर भी आप किसी ग्रोथ को डिलीवर कर पाए हैं? ये इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कोविड का मैनेजमेंट रहा और फ्री में जो अनाज देने की योजना रही बहुत लंबे समय तक चली, या वैक्सीनेशन है, ये बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत बड़े कार्य थे जिनको सफलतापूर्वक किया भी गया। निश्चित तौर पर इस पर काफ़ी पैसा लगा होगा तो इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा डाउन जाती है, या पूरी दुनिया में जिस तरह का। अभी चैलेंज क्या है, आंकड़ा दिखाना या कुछ जमीनी स्थितियों को सुधारना, आपको क्या लगता है और वो क्या होंगी? अगर देखिए आम व्यक्ति की, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विकास दर कितनी होगी, इससे आम आदमी को समझ में नहीं आता, उसको तो अपनी जेब से मतलब है, अपने खर्चे से, अपनी आमदनी से मतलब है, लेकिन दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर मैं ग्रोथ कर रहा हूँ इंडिविजुअली तो मेरे परिवार की ग्रोथ हो रही है, मेरे परिवार की ग्रोथ हो रही है मतलब मेरे आसपास के लोगों की ग्रोथ हो रही है, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, ये अंत में जाकर देश की अर्थव्यवस्था पर जाती हैं। तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव सेंटिमेंट है, सकारात्मक दिशा में देश की अर्थव्यवस्था जा रही है, उसका मतलब ये है कि आम आदमी को इस अर्थव्यवस्था से फायदा होने वाला है, इस ग्रोथ से। हो सकता है कि 100 रुपये ना मिले, 1 रुपये मिले, पर आपकी आपकी जेब में पैसा आएगा जिसको आप खर्च करेंगे। और ये जो आपने किसान की बात की, जो 6,000 रुपये महीना का मिलता था, उस स्कीम के तहत, उस स्कीम के आने से ये बहुत बड़ी बात हुई है प्रवीण, की बहुत सारे लोगों को जो गरीब तबके के नीचे रहते थे उनके जेब में पैसा आया। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, कुछ आप इस पे बता पाएंगे? एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी जिक्र किया गया है, तो क्या हमने वाइब्रेंट गुजरात खूब सुना, हमने और भी देखा कि वाइब्रेंट शब्द का बड़ा इस्तेमाल हुआ है। मैंने अभी कई और जो कार्यक्रम हुए हैं सरकार के बड़े महत्व का, NRI को बुलाया गया अभी इंदौर में, या वाइब्रेंट इंदौर में भी ये शब्द काफ़ी खूब चलता रहा। तो वाइब्रेंट विलेज से क्या मतलब है? आप धीरे धीरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अच्छा स्मार्ट सिटी योजनाएं बड़ी बड़ी आई 2014 से लेकर अभी तक, कई सारी योजनाएं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। इनोवेशन की बहुत बात हुई है, स्टार्टअप इंडिया की बहुत बात हुई है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बहुत बात हुई है। वाइब्रेंट विलेज क्या एक नया प्रोग्राम होगा, या ऐसा बताया जा रहा है कि अभी शहरों का विकास हुआ अब हम गाँव की तरफ जा रहे हैं, या गाँव का विकास करना ज़्यादा ज़रूरी समझा जा रहा है? देखिए कोविड के वक्त में बहुत बड़ी आबादी गाँव की ओर लौटी थी, आज की तारीख में जो सबसे अधिक पोटेंशियल बायर हैं वो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चुनौती बीते 6-8 महीनों से बड़े बड़े उद्योगपति और खासकर बिल्डर्स महसूस कर रहे हैं कि उनको जो अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं शहरों में, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, उनके लिए उनको लेबर नहीं मिल रही है, क्योंकि लेबर गांव में चली गई है, वो जो लेबर ग्रामीण इलाकों में चली गई है वो वहाँ अपना काम धंधा कर पा रही है। उनको स्थानीय सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, मैं राजनीति में नहीं जा रहा हूँ, उन्होंने अपने फायदे के लिए, उन सरकारों ने अपने फायदे के लिए उन लोगों को एम्पावर करने की कोशिश की, जैसे योगी आदित्यनाथ ने की उत्तर प्रदेश में, जैसे अशोक गहलोत ने की राजस्थान में, आप शिवराज सिंह चौहान का नाम ले सकते हैं, कई लोगों के नाम आप ले सकते हैं। और उस वजह से जो लोग अब गांव में पहुंच गए हैं वो गांव से निकलना नहीं चाहते, वापस शहरों में नहीं आना चाहते, वो जानते हैं कि शहरों में उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, गांव में रहकर वो खेती भी कर पाते हैं, काम अपना काम धंधा भी कर पा रहे हैं। इसीलिए वाइब्रेंट विलेज के नाम से सरकार एक स्कीम लाना चाहती है, और कोशिश पूरी यही है कि गांवों के अंदर वो सुविधाएं मिलें जो शहरों में या शहरी इलाकों के लोगों को मिलती हैं। क्यों ग्रामीण इलाकों के रहने वाले लोग पीछे रह जाएं? आज भी हिंदुस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाके में रहता है, उसको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस बजट में आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया प्रवीण, इस बजट में जब निर्मला सीतारमण कल खड़ी होंगी संसद में और बोलेंगी, ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो लोअर मिडिल क्लास,
स्टेटा को एड्रेस कर रही होंगी, जिसमें ग्रामीण हिंदुस्तान की बात होगी, जिसमें ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों की या उस इलाके में काम करने वाले लोगों की बात होगी जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनको एम्पावर किया जाएगा, चाहे वो वहाँ पर बिजली पहुँचाने की बात हो। मैं एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप आज आपने कहा ना कि बड़ी बड़ी बातें की गई, जो बड़ी हो सकता है कि मैं बहुत से लोग इस बात को पसंद ना करें, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान से बाहर निकलते हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, दिल्ली से बाहर निकलते हैं, हम दिल्ली में रहने वाले लोग, तो आप देखिएगा सड़कों का जाल बना हुआ है। अब कहीं भी जाना, जैसे दिल्ली से अगर आपको बनारस जाना हो, दिल्ली से अगर आपको इंदौर जाना हो, दिल्ली से अगर आपको महाराष्ट्र जाना हो, आदमी प्रेफर कर रहा है कि मैं अपनी कार में जाऊं, वो ट्रेन में हवाई जहाज में जाना प्रेफर नहीं कर रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि सड़कें अच्छी बन गई, सिक्स लेन एट लेन बन गए हैं और बनते जा रहे हैं, तेजी से काम चल रहे हैं। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जब सरकार पैसे इन्वेस्ट करती है तो हर व्यक्ति एम्पावर होता है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं क्योंकि आपकी माल ढुलाई आसान हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, आम व्यक्ति को आना जाना आसान हो जाता है, जिससे आपकी जेब में पैसा बचता है क्योंकि आपको अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें इशारा करती हैं प्रवीण कि आम व्यक्ति को एम्पावर करने के लिए स्कीम्स जो बनाई गई हैं उसका असर अब दिखने लगा है। और अब जबकि दुनिया में मंदी का दौर है, बड़े बड़े देश पिछड़ रहे हैं, ऐसे में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अगर पॉजिटिव में जा रही है, जो कि तमाम दूसरे देशों की तुलना में, चीन अमेरिका रूस की तुलना में अगर पॉजिटिव दिशा में जा रही है, तो ये मान के चलिए आने वाला वक्त जो है आज से 5 साल के बाद 10 साल के बाद वो हिंदुस्तान का होने वाला है, चाहे वो कोई भी सरकार क्यों ना हो, नरेंद्र मोदी रहें या उसके अलावा कोई और प्रधानमंत्री बन जाए, उसके लिए ये बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ हिंदुस्तान की जो ग्रोथ है उसके अपने फायदे में दिखाई देती है जी। और अगर अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो वो है विश्वविद्यालयों की बात कही जा रही है। अब 300 नए विश्वविद्यालयों का को बनाया गया है। अब पढ़ाई लिखाई जो है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ एक ये भी बात कही जाती है कि बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए या रोजगार मूलक पढ़ाई जो है उस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। इनोवेशन स्टार्टअप्स की जब बात हुई थी तब भी ये कहा गया था, तो पढ़ाई को भी क्या ये आंकड़ों वाली मजबूरी है सुमित जी, जो चाहे वो ग्रोथ रेट हो या फिर ये नंबर्स हैं, इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए, इतने विश्वविद्यालय बना दिए, इतने महाविद्यालय बना दिए, ये जो है ये बताना क्या ये सरकार की कामयाबी को, क्योंकि आंकड़ों के जरिए ही रख सकते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर क्या शिक्षा की स्थिति और रोजगार की स्थिति आप कैसे पाते हैं जर्नलिस्ट के नाते, आपको क्या लगता है कितना बदलाव आया है? दोनों बातें, शिक्षा रोजगार की आपने बात की, मैं इसमें एक तीसरी चीज़ और जोड़ देता हूँ, वो महंगाई की है। महंगाई को लेकर मैं इसलिए कंसर्न हूँ क्योंकि जब तक महंगाई पर, इन्फ्लेशन पर सरकार का कंट्रोल नहीं होगा, तब तक हर चीज़ सरकार के हाथ से निकलती जाएगी, फिसलती जाएगी, और वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ प्रवीण, राजनीतिक तौर पर तो सरकार को जो हमले झेलने पड़ेंगे विरोधियों के, वो जाहिर तौर पर झेलने पड़ेंगे, लेकिन आम व्यक्ति के पास ये भरोसा होना चाहिए कि भले ही पेट्रोल मान लीजिए 100 रुपये का हो जाए या 200 रुपये का हो जाए, पर उसकी आमदनी भी तो 5,000 रुपये से बढ़कर 25,000 होनी चाहिए, पर वो हो नहीं पा रही है। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जब तक आप अच्छी शिक्षा के केंद्र स्थापित नहीं करेंगे, अच्छे शिक्षा के केंद्रों से मेरा मतलब है, अब तो सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी आकर यूनिवर्सिटी लेवल पर टाई अप कर सकती हैं, तो इस परिस्थिति में जब बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में आकर बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप्स होंगे, यहीं पर अपने बच्चे बगैर खर्च किए विदेश जाए, यहीं पर जब हार्वर्ड की, ऑक्सफोर्ड की या कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डिग्रीज लेके घूमेंगे, तो आप मान के चलिए दुनिया भर के लोग, आजकल हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, दुनिया भर की बड़ी कंपनियाँ हमारे बच्चों को हायर करने के लिए हिंदुस्तान में आएंगी, यहां से हायर करके ले जाएंगी अपने अपने, और उसका फायदा न सिर्फ अपने बच्चे बाहर जाएंगे बल्कि वो देश हिंदुस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो अर्थव्यवस्था, अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, विद्यालयों की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो इससे सबका विकास जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से जब आप अच्छे रोजगार, अच्छे विद्यालय बनाएंगे तो जाहिर तौर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोनॉमी है और ये बीते कुछ सालों में हुआ है, और ये इसका श्रेय हमको हिंदुस्तान के नौजवानों को देना चाहिए, हिंदुस्तान की उस निपुण विद्या को देना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो पढ़ने में हिचकिचाते नहीं हैं। जैसे हमने देखा खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो 5वीं 7वीं 10वीं पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता, वो घूमने में या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या पैसा कमाने में लग जाते हैं लोग। लेकिन हम लोगों का आज भी ये कल्चर है, आज भी हम लोग उस सोच के हैं, उस विचारधारा के हैं कि ग्रेजुएट तो होना चाहिए, ग्रेजुएशन तो पूरा कर लेना चाहिए। तो इसका फ़ायदा
हिंदुस्तान को मिलने वाला आने वाले वक्त में। तो शिक्षा जरूरी है, शिक्षा से जुड़ा हुआ रोजगार है। जब अच्छी शिक्षा होगी तो रोजगार के साधन पैदा होंगे, और रोजगार अगर पैदा हुआ तो जाहिर तौर पर महंगाई पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। लेकिन सरकार को ऐसी, निर्मला सीतारमण को ऐसी स्कीम्स अनाउंस करनी होगी कल के इस बजट में कि जब ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड होकर देश के आम व्यक्ति तक पहुंचती हुई दिखाई दें, केवल हवा हवाई बातें ना हो। क्योंकि चुनाव का माहौल ऐसी, तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम विरोधियों की आलोचना भी की, प्रवीण मैं आपको एक सेकंड में रोक रहा हूँ, कि रेवड़ी कल्चर की वो मुखालफत करते हैं, मुफ्त की चीज़ें वो देना नहीं चाहते हैं। आप मुफ्त की चीज़ें मत दीजिए, कोई रेवड़ी मतलब सबको अच्छा लगता है मुफ्त, लेकिन अगर आप रेवड़ी ना देकर लोगों को एम्पावर कर रहे हैं कि मैं आपके घर में ये तरीका पैदा कर दूंगा कि आप जाके नौकरी करिए, आप जाके अच्छी शिक्षा पाइए, आपको शिक्षा कम पैसों में मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी, आपको रोज़गार आसानी से मिल जाएगा, तो जाहिर तौर पर जब आप एम्पावर करेंगे लोगों को तो रेवड़ियाँ देने की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ेगी। मैं वही, इनफैक्ट मेरा सवाल भी यही था आपसे कि मुफ्त खाद्यान्न की योजना जो है वो जारी रहेगी, और ये बहुत बड़ी योजना रही। मैं सुमित जी ये अपना निजी अनुभव भी बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में जिस जिस जगह गया इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट। हाँ बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में इसका निश्चित तौर पर इम्पैक्ट पड़ा जो लोगों को मुफ्त में राशन मिला। अच्छा, अरविंद केजरीवाल पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि आप रेवड़ी कह लें चाहे जो कह लें, चलता ये वाला फॉर्मूला जो है जम के है, इसलिए गुजरात तक में, हालांकि गुजरात में अस्वीकृत रहा हो या कुछ हद तक शायद काम भी किया हो। एक और बड़ी बात है जो मैं चलते चलते चाहूंगा कि मुफ्त खाद्यान्न योजना पर आप टिप्पणी करें, और साथ ही साथ में आयुष्मान योजना। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शिक्षा दीजिए, लेकिन दूसरी चीज़ है इलाज। हमारे देश में शिक्षा के से ज़्यादा ज़रूरी इलाज की स्थिति हो गई है कि आज प्राइवेट अस्पतालों में बड़े बड़े लोगों को, हम सबके निजी अनुभव है, बहुत बुरी स्थिति, हर कोई इंश्योर्ड नहीं है। भारत की वो स्थिति नहीं है कि हम ऐसी इकोनॉमी में चले गए कि लोग इंश्योरेंस को लेकर इतने जागरूक हो जाएं या करवा भी पाएं। हमारे आयुष्मान कार्ड बनने के बाद में काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। आपको क्या लगता है कि आयुष्मान योजना पर और ज़्यादा फोकस रहेगा, और अगर प्रधानमंत्री मोदी स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर सचमुच में जनता के बीच में एक विश्वास जगा पाए तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी? देखिए, स्वास्थ्य वाकई में सबसे बहुत बड़ा एरिया है चिंता का, और उसकी वजह ये है कि हमारे पास आज की तारीख में भी, भले ही ये दावा किया गया हो आज के राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कि हर महीने एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, अब मेरा ये मानना है कि मेडिकल कॉलेज खुलने से काम नहीं चलेगा। हमको डॉक्टर्स चाहिए, मेडिकल कॉलेज में अच्छे डॉक्टर्स निकल के आने चाहिए, और उसके बाद जैसा कि प्रवीण ने आपने कहा कि हम सबके अनुभव बहुत कटु हैं, बहुत कड़वे हैं अस्पतालों को लेकर, तमाम चीज़ों के इंतजामों को लेकर, उसको ठीक करने की ज़रूरत। आज भी अगर आप किसी अस्पताल में चले जाएं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी में एक डॉक्टर पे आपको हज़ारों पेशेंट्स मिल जाते हैं, प्राइवेट में हज़ार नहीं होते हैं, सैकड़ों होते हैं, पर वहाँ भी मारामारी है। तो इलाज जैसी चीज़ ऐसी है, इसको इस आयुष्मान योजना के ज़रिए सरकार ने उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। पर ये कह देना कि आयुष्मान योजना पूर्णतः सफल हो गई है, मुझे लगता है कि यह भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई सारे लूप होल्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आयुष्मान योजना का फायदा उठा रहे हैं जिनको आयुष्मान योजना नहीं मिलनी चाहिए, खासकर जो 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 रसूखदार तबके के लोग हैं, कार्ड कई लोगों ने बनवाए, कार्ड लोग बनवा लिए हैं, उसका मिसयूज भी हो रहा है, उसको भी प्रॉपरली उसका उस पर रोकथाम होनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि उसको रोका जा सके, और सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता हो। अच्छी दवाई नहीं मिल रही है, दवाई का मार्केट, फार्मेसी का मार्केट बहुत बड़ा वजह बन गया है हिंदुस्तान में बीमारियों की जड़ का, क्योंकि नकली दवाइयाँ आती हैं, नकली दवाइयों से आपको असर नहीं होता है। जैसे अब जब आप कोविड चल रहा था सब बोल रहे थे डोलो खाओ डोलो खाओ, तो डोलो हर जगह मिलने लगी थी, लेकिन वो डोलो के अंदर कुछ था ही नहीं, वो डोलो तमाम नकली मिल रही थी। मतलब नथिंग अगेंस्ट डोलो, पर डोलो के नाम पर आदमियों ने फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया था, क्योंकि आप हर डॉक्टर डोलो 650 लिख रहा था। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के जो जो लूपहोल्स हैं, जो लीकेजेस हैं सिस्टम में, जो हाइजीन लाने की ज़रूरत है, उस पर भी सरकार को बहुत ही स्ट्रिक्टली काम करना होगा कि करप्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो आपके साथ लापरवाही की जा रही है, आपकी सेहत के साथ, आपकी शिक्षा के साथ, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे घपलों के साथ, मनरेगा में हो रहे घोटालों के साथ, जब तक उन चीज़ों पर लगाम नहीं लगेगी तब तक आम व्यक्ति को फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि अब व्यक्ति जब जिसके पास 6000 रुपए महीने का आ रहा था, जिस आम किसान के पास, मुझे लगता है कि इस बार दो तीन चीजें बजट में, जब मैं मुझे लगता है होनी चाहिए, निर्मला सीतारमण के हाथ मजबूत करेगा, नरेंद्र मोदी को फायदा दिलाएगा, वो ये कि वो 6000 की रकम को बढ़ाना चाहिए। वो 6000 को आप अनाउंस कर सकते हैं 8000, 9000, 10000, जैसा भी सरकारी खर्चे में उनके पास जगह हो। दूसरा,
इनकम टैक्स मिडिल क्लास की बहुत बड़ी चिंता का विषय है प्रवीण, उस पर हमको जरूर चर्चा करनी चाहिए। इनकम टैक्स के स्लैब्स चेंज नहीं हुए हैं 2014 के बाद से लेकर 2022, 8 साल ये नौवां बजट पेश होने वाला है सरकार का, और वही के वही स्लैब्स हैं जो 14 में तय कर दिए थे। मुझे लगता है हालांकि रियायत नहीं बढ़ेगी, जो अपर लिमिट है वो ऊपर नहीं जाएगी, पर नए स्लैब्स डिफाइन हो सकते हैं। आप 5% पे, 10% पे, 12% पे, 15% पे, 18% पे, 20% पे नए स्लैब्स उसी दायरे के अंदर बढ़ा सकते हैं, ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स के नेट में आ सकें, क्योंकि जितना टैक्स सरकार के पास आएगा वही तो काम आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कों में, पुल बनाने में, डैम बनाने में। लेकिन अगर वो पैसा आएगा ही नहीं सरकार के पास, या एक लिमिट तक चुनावी साल उसको भी ध्यान में रखते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भाई ये जो 30% की लिमिट है थोड़ा घाटा झेल लिया जाए, अगर कुछ करना है फायदा बड़ा हो रहा है तो जो चुनावी तौर पर जो आदमी दे सकता है उसको देने में एतराज नहीं होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो दानी बनते हैं, आप अजीम प्रेम जी का एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमारे सामने नारायण मूर्ति साहब का एग्जाम्पल है, हमारे सामने रतन टाटा का एग्जाम्पल है कि कितना पैसा ये लोग दान में देते हैं, अलग अलग CSR एक्टिविटीज़ में देते हैं, तो इन लोगों को देने में दिक्कत नहीं होगी। आज जब प्रधानमंत्री का एक भाषण बड़ा लोकप्रिय है, 3-4 साल पहले का, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में करीब केवल 4% 4.5% लोग ही ऐसे हैं पूरी आबादी में जो इनकम टैक्स देते हैं, और ये वो आबादी है जो नौकरी कर रही होती है। और ये उसी भाषण में उन्होंने ये भी कहा था, अपनी सेक्रेटरीज को वो संबोधित कर रहे थे 3-4 साल पहले का भाषण में, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में क्या आप मान सकते हैं केवल 100 या 125 लोग ही ऐसे हैं जो बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो विदेशी यात्राएं करते हैं, जो प्राइवेट जेट में चलते हैं। तो ये बात गले नहीं उतरती है, क्योंकि टैक्स चोरी होती है, बड़े बड़े लोग टैक्स चोरी करते हैं। तो बड़े लोगों को टैक्स के दायरे में लाना, उनको मोटिवेट करना कि आप हिंदुस्तान के बहुत बड़े, आप उनको पद्मश्री देना, ऐसे लोगों को नवाजना कि आपने इस बार सबसे ज़्यादा टैक्स दिया, आप अपनी काली कमाई को छुपा नहीं रहे हैं, आप हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में वो कर रहे हैं, ऐसे प्रोत्साहित करने वाले प्रोग्रामों की भी ज़रूरत है प्रवीण जी। बहरहाल ये तो कुछ बातें हुई जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर हम लोगों ने बातचीत की, और कुछ अपेक्षाओं को रखा। देखिए यहाँ पे सर्वे की एनालिसिस बहुत ज़्यादा नहीं की हमने सुमित जी के साथ में, लेकिन हमने ये जानने की कोशिश की कि लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, भारत की अभी अर्थव्यवस्था और बड़ी चुनौतियां उसके सामने क्या हैं, और क्योंकि चुनावी साल है तो लोगों की अपेक्षाएं किस तरह की हो सकती हैं, और सरकार भी किन बातों का ध्यान रख सकती है। लेकिन असली बात तो जैसे ही बजट आएगा, बजट की हमने खास तैयारी की है, यानी आप लगातार सुमित जी भी हमारे साथ बने रहेंगे और हम बजट के ऊपर आपको लगातार पल पल का अपडेट